तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 9:30 बजे और गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वृंदावन से। नॉर्मली मैं घर से या मथुरा जंक्शन से ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, लेकिन भाई आज सुबह सुबह ही घर से निकलने के बाद मथुरा जंक्शन आया और मथुरा जंक्शन आते के साथ ही मेरे को वृंदावन की सवारियाँ मिल गई। उनकी जो बिल्डिंग दिख रही है इसको बोलते हैं हरे कृष्णा ऑर्चिड। ये प्रेम मंदिर का थोड़ा सा बैक यार्ड है, यानी कि पीछे का हिस्सा। सवारी हमने छोड़ दी है, वापस मथुरा के लिए जाएंगे। कल भाई धूल थी, पूरा का पूरा चेहरा वेरा सब कुछ रंग पे हो रखा था, जैसे तैसे करके साफ किया है। आपको चेहरा दिखाने लायक फिलहाल हो गया है, कलर वगैरह कुछ दिख नहीं रहा। और आज का दिन कल की तरह ही बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह तो हम काम करने निकल आए हैं, उसके बाद में दोपहर को मुझे अपनी गाड़ी की EMI भरनी है। EMI भरने के बाद जैसे ही फ्री होंगे फिर शेविंग वेविंग बाल बाल कटवाने, क्योंकि आज जाना है हमको बारात में आगरा के लिए। 2-3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने अपने मामा जी के लड़के की लगन सगाई में गए थे, तो आज उसी की बारात जाने वाली है। तो मस्त सा ब्लॉग बनाएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस सुबह सुबह ही आज वृंदावन की गलियां नाप रहे हैं भाई। घर से निकलने के बाद ही मेरे को सवारियां मिल गई थी, तो वृंदावन आ गए। अब यहाँ से वापस निकल रहा हूँ मथुरा के लिए, सवारियां देखूंगा, क्योंकि भाई खाली यहाँ से जाना अच्छा लगता नहीं है और कोई भी जाना भी नहीं चाहता है। तो जल्दी से सवारियां पकड़ते हैं। अभी मैं प्रेम मंदिर जाऊंगा और वहीं से सवारियां पकड़ने की कोशिश करूंगा। चलिए इधर से ले लेते हैं इधर को राइट। ओ भाई, ये जो दीवार दिख रही है आपको, ये प्रेम मंदिर है। हम प्रेम मंदिर के जस्ट पीछे हैं इस वक्त। सुबह गाड़ी लेके गया था कुछ कमाने के लिए और भाई कमा के आ गए घर वापस। मैंने अब ब्लॉग शुरू किया था तभी आपसे कहा था कि आज बारात में जाना है, और पीछे जो भीड़भाड़ आपको दिख रही है ये सारी की सारी बारात की तैयारी हो रही है। हम रेडी होकर निकल रहे हैं बारात में जाने के लिए। एक शर्ट और खरीदी है मैंने आज, उसको पहनूंगा बारात के लिए। इसको घर से पहन के जा रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ प्लीज कमेंट करके बताइए, आप लोग बताते नहीं है। चलिए बारात में पहुंचते हैं। रमेश भैया और जा रहे हैं भाई, रमेश भैया किसी बारात बारात में जाते नहीं, आज हम जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। भैया भी आज बारात करेंगे हमारे साथ। ये देखिए क्या हो रहा है, आपको समझा देता हूँ। बारात में निकलने की तैयारी हो गई है और महाराज ने अपनी बाइक की चाबी खो दी है। मिल गई ना, मिली चाबी नहीं मिल रही है, लेट में लेट करवा रहे हैं। गाइस घर से निकल के दाऊजी आ चुके हैं। दाऊजी का मतलब मेरे बलदेव है, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊजी थे, उन्हीं का नगर है भाई। और आज यहाँ पे औरंगा है, हालांकि आपको औरंगा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हम बारात के लिए निकले हुए। आगे हमारी तुलसी बहन जी, जीजा जी और पूरा चल रहे हैं। ये हमारी बाइक है, उसी दिन की तरह भाई दाऊजी में आ गए। तुलसी आई है ना, पिछली बार मुकेश जी जी थी साथ में, तुलसी ने कुछ फल फलारी लिए मामा के घर के लिए। यहाँ से हम जाएंगे सीधे नानी के यहाँ। सॉरी यार, नानी नाना मेरे दोनों एक्सपायर हो गए, काली मामा जी बचे हुए, तो मामा जी के यहाँ पहुँचेंगे।
हफ्ते बारात। वैसे तो मैं आपको मामा के लड़के की बारात दिखाने के लिए लाया था, लेकिन एक छुपा हुआ सरप्राइज था, उसके बारे में पहले से डिसाइड नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। लेकिन भाई वो सरप्राइज अब खुलने को है। दरअसल मेरी मौसी की लड़की है, उनका बेटा पहलवानी करता है भाई, देसी वाला रेसलर है। आज उसी के अखाड़े में मेरी ननसार में ही आज दंगल है, होली के बाद होता है, उसी को दिखाते हैं। मस्त वाली देसी कुश्ती चली हुई है, बस देसी कुश्ती का मजा लीजिए, उसके बाद में बारात का लीजिएगा। भैया चौक की मिलवाएंगे बटिया लोगों की कुश्ती का शुभारंभ होने जा रहा है, तो अभी इस कुश्ती को जाने दें, उसके बाद में अगली कुश्ती। कितना जोर का फिल्म बन रहा है, एक कुश्ती प्लेयर बनने के बाद में बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बिटिया, गांव नहीं बहुत अच्छा कुश्ती लड़ी तो यह बहुत अच्छा कुश्ती लड़े आप। भाई अच्छा पहलवान जी, हम जनता का निर्णय भी पूछेंगे भाई, कुश्ती उश्ती सही हो रही है? एक बार जनता को हाथ लगा के बताया कि भाई कुश्ती हो रही है कि नहीं? बिल्कुल सही हो रही है ना? कहीं कोई ये बिटिया की कुश्ती में क्या रखा जाएगा? ये तीसरा लड़ने भी काम करेगा, आगे चढ़ जाए यार, ये लाया से हट जाए भाई, एक बाल्टी लावनी पड़ेगी अब भाई। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, चौटाला नेता है। एक बाल्टी हो पानी मारे भाई, भाई के काफी देर से गाड़े में खड़े हुए और अपने भांजे की कुश्ती होने वाली है पीछे, यही हमारा बॉबी, ये है बॉबी पहलवान हमारा। गाइस जिस चीज का इंतजार था वो समय आ गया, हमारे भांजे की कुश्ती होने वाली है, तो आपको दिखाते हैं कैसा लगता है। तो ये आ रही है मेहमान, ये कुश्ती अपनी शाबाश बॉबी। गाइस हमारे पहलवानों के हाथ मिलते हुए लीजिए सर। अरे हट जाओ हट जाइयो, हट जा आगे दे
अपनी कुश्ती आ रही है ये ये वालों की राजी कुश्ती है ये आवाज छूटी का है ये बराबर पे जाएगी तुम हाँ जेव जाए बराबर बराबर जाओ चलो गो मार जाओ खींच के वो चूटी ना बाल बराबर राट जाएगी गाय जी रे रेड जाएगी इसमें ये हमारा भांजा है वो भी और अपोनेंट ब्लैक में है वो भाई मथुरा से ही मार लो और हमारे कौन डॉक्टर को खिला है वो नीचे ले गो तेरिया पहलवान द्रोणी तेरिया पहलवान द्रोणी कुश्ती में रखे हैं पुराने पहलवान है तेरिया पहलवान तेरिया पहलवान द्रोणी नारी है ताऊ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ अरे आगे से हट जाओ भैया अरे या तो बैठ जाओ हट जाओ यार अरे बैठ जाओ तुम तो बोल दिए गए या तो बैठ जाओ हट जाओ यहां से जनता को मजा आ रहा है जनता को मजा आ रहा है कुश्तियों में आज यहाँ पर कुश्ती का अवकाश लेने के बाद आज ही शाम को 8 बजे निकाली हुई डिग्री कॉलेज से जरूर पहुंचे जहाँ पे रसिया टक्कर लगने जा रहा है सभी खेल के लिए कुश्ती का आनंद लेते रहिए चलते रहे सभी चलते रहे तो पहलवान ने घटियो एकदम है बना जो रहा है कौन कौन इडी बेटा भाई बोल पहलवान है एक बार मथुरा को बोल बोल नीचे ऊपर कोई मथुरा को पहलवान चाचा यही तो है वो कम ये वो गांव है जहाँ पर हमारी लाल आप तरह की खुशी करते थे और आज हम इतना सौभाग्य के इस गांव में खड़े हैं बराबर 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 भैया
गाइस अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि अचानक से बारात में बाजे बाजे बंद कैसे हो गए, तो भाई जिस गांव में बारात आई है ना, यहाँ पे कोई अभी हाल ही में कोई लड़का एक्सपायर हो गया है, तो उसकी वजह से बैंड नहीं बज रही है, केवल शांति से बारात निकल रही है। जो लड़की वाले पक्ष हैं उन्हीं के कोई पड़ोस में ख़त्म हुआ, तो इस वजह से बैंड वैंड बजाने का प्रोग्राम पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। इतनी संवेदनता तो होनी चाहिए और समय होनी चाहिए, इस वजह से बैंड नहीं है, तो शांतिपूर्वक बारात निकल रही है। बाकी जो काम करने के हैं वो तो ही नहीं, खाली बैंड को बंद कर दिया। तो भाई गैस बारात जो है ऐसे ही शांति में लड़की के गेट तक आ गई। थैंक यू सर, ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसको बोलते हैं दरवाजा। जब दूल्हा लड़की के गेट पे आता है तो उसको दरवाजा बोलते हैं। यहाँ पे कुछ पूजा पाठ होता है, पंडित अपने मंत्र उच्चारण करते हैं और सामने जो लेडीज खड़ी होती हैं वो बारातियों को गाली देने में लगी होती है गीत के माध्यम से। वही प्रोग्राम चल रहा है। इनके जो लड़की वाले हैं, इनके पड़ोस में कोई लड़का एक्सपायर हो गया था, उसकी वजह से बारात जो बैंड बाजे से नहीं शांतिपूर्वक आई थी। यहाँ हो रहा दरवाजा और पीछे जो एक और पीछे की तरफ चल रहा है खाना, तो अब चल रहे हैं खाने की तरफ। गाइस मामला कुछ ऐसा है, रात को बारात में गए थे और वहाँ पे बारात चढ़ने के बाद में भाई क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। रात को 2 बजे के करीब में बारात से वापस आए और भाई रास्ते में इतना थक गए थे, बहुत लंबी बारात गई थी यहाँ मथुरा से ग्वालियर की तरफ, पूरी की पूरी हड्डियाँ चरमरा गई गाड़ी में भाई। अभी गाइस दूसरा दिन है, सुबह हो चुकी है, हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए यानी कि मथुरा के लिए। बस तैयारी चल रही है, अंदर से सामान जो कपड़े लत्ते लाए थे बैग लगा के वो वापस आ जाए, तो फिर निकलेंगे सीधे मथुरा। ये हमारी नजरी। और गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वैसे तो मैं रोजाना जिस दिन का ब्लॉग होता उसी दिन एंड कर देता हूँ, लेकिन कल रात को टाइम ही नहीं मिल पाया, आज एंड कर रहा हूँ। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आप कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।